हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे एक चाइल्ड डेवलप होता है एडल्ट पर्सन में। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी का केस है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का केस है, एक जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवा है, जब आपस में फ्यूज होता है या फर्टिलाइज होता है तो एक जायगोट फॉर्म करता है। फिर ये जायगोट आगे फर्दर डिवाइड होके एक चाइल्ड में डेवलप होता है और फिर ये चाइल्ड के अंदर जो सेल्स है फर्दर डिवीजन शो करती है और एक अल्टीमेटली एडल्ट पर्सन में डेवलप हो जाता है। फिर ये एडल्ट पर्सन में क्या हो जाता है कि जो सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने आज यही स्टडी करना है कि पर्सन जो चाइल्ड से एडल्ट, एडल्ट से एजिंग में जा रहा है, इस प्रोसेस में सेल डिवीजन का क्या रोल है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन कि कौन से सेल्स है जो डिवीजन शो नहीं करते या कौन से ऑर्गन है जो कभी भी डिवाइड नहीं होते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा आज का। और मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे लाइक नीट, CSIR, NET, DBT, GRF, GATE, SET, ICAR, ICMR, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहाँ एक सेल डिवीजन जिसका पार्ट रहेगा, उन सभी के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट और यूजफुल रहेगा। आई गारंटी कि अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखोगे और फर्दर जो एक या दो लेक्चर और आएंगे उनको कंप्लीट देखोगे, ऑनेस्टली देखोगे, तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप इजीली क्रैक कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पता होगा कि हमारी बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी है, लाइक ईयर, नोज, आईज, माउथ, लिप्स, किडनी, लिवर, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी है। और जो ये डिफरेंट ऑर्गन है ये डिफरेंट टिश्यूज से बने हैं और जो ये टिश्यूज है ये सेल से मिलके बने होते हैं। तो अल्टीमेटली जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, एक सेल है। तो हम एक ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। मानो कि यहाँ पे जो एक ऑर्गन है, एक चाइल्ड का ऑर्गन है लाइक लीवर, इसके अंदर भी बहुत सारे सेल है। ये कैसे डिवीजन हुई, जो एक सेल है ये डिवाइड हुआ दो सेल में, फिर ये एक सेल है फर्दर डिवाइड हुआ दो सेल में, एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल में, फर्दर ये एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल में, एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल में, इस तरह से डिवीजन होती रहती है। और एक जो चाइल्ड का लीवर है ये एक एडल्ट का लीवर में डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब ये किस तरह से डिवीजन करता है सेल्स, और जब एक एडल्ट का लीवर मतलब अपनी शेप जो एडॉप्ट कर दे तो यहाँ पे डिवीजन जो स्टॉप हो जाती है। फिर डिवीजन कब स्टार्ट होती है, मानो कि कोई पर्सन जो अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में लेता है और उसका लीवर जो डैमेज हो जाए, सुना होगा आपने लीवर डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये सेल्स है ये फर्दर डिवीजन शो करेंगे, एक सेल से दो बनेंगे, एक सेल से दो बनेंगे, एक सेल से दो बनेंगे, और लीवर जो रीजनरेशन प्रोसेस में आ जाएगा और रीजनरेट हो जाएगा। आपने देखा होगा जब कभी हमारे बाजू में कट लगा है, कहीं भी बॉडी में कट लगता है, मानो वहां से स्किन जो चली गई, तो फिर क्या होता है, जो स्किन के सराउंडिंग में जो अदर सोमेटिक सेल है वो फर्दर डिवीजन करते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर एक सेल से दो बनते हैं, फिर एक सेल से दो बनते हैं, मतलब हर एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड होता है। तो जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं इस तरह से जहां से स्किन रिमूव हुई है उस पार्ट को रीजनरेट कर देता है या सील कर देता है, मतलब घाव को ठीक कर देता है। तो ये रहता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। अब देखते हैं हम जो सेल्स है वो टू टाइप के पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, सेकेंड है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स, या जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि मेल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगा। सोमेटिक सेल्स की क्या खासियत है, देखो आपको पता है कि जो एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, है ना, और क्रोमोजोम है जो एक मतलब ह्यूमन बॉडी के सेल में वो 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो सोमेटिक सेल में क्या होता है, जब ये सेल डिवीजन शो करेगा तो जो उसके डॉटर सेल बन रहे हैं, मतलब दो और सेल बन रहे हैं, वहां भी 46 क्रोमोजोम हो गए, 46 क्रोमोजोम हो गए, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन होगी। सो इसको बोलते हैं माइटोसिस, और माइटोसिस कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन,
क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ नहीं होते हैं, इक्वल रहते हैं डिवीजन के टाइम भी। सेकेंड है आपका रिप्रोडक्टिव सेल, यहाँ क्या होता है आप देख पा रहे हो 46 क्रोमोजोम है, ये डिवीजन करेगी 23 और 23, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, और प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। रिडक्शनल क्यों बोला, क्रोमोजोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। सो ये कुछ सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फिर एक्सेप्शन ऐसी है कि आपने, आपको ये आईज दिख रही होगी, आईज के अंदर आपको कॉर्निया दिख रहा होगा, मैंने आपको यहाँ दिखाया होगा, यहाँ पे आई है, आई के अंदर इस तरह से कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया आप चाइल्ड में देखो चाहे एडल्ट में देखो इसका साइज इक्वल होता है, ये कॉर्निया कभी भी ग्रो नहीं करता और इसके सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते। आपने देखा होगा चाइल्ड का, जब चाइल्ड जब आप जन्म लेता है तो चाइल्ड का कॉर्निया जो बड़े बड़े होते हैं, आईज थोड़ी मतलब बड़ी होती है, कॉर्निया इक्वल साइज होते हैं, फिर जब वो चाइल्ड एडल्ट में डेवलप हो जाए तो उस कॉर्निया का साइज जो है एज इट एज रहेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि क्या कॉर्निया के सेल्स डिवाइड करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, नेवर, ये कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। सेकेंड आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में 206 बोन्स पाए जाती है, और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारे एयर की बोन है जिसको बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस से स्मॉलेस्ट बोन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये ऐसी बोन है ये भी कभी भी डिवाइड नहीं होती, इसके सेल्स डिवाइड नहीं होते और ना ही ये जो ग्रो करते हैं, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सेकेंड आपका न्यूरॉन सेल्स, फैट सेल्स, हार्ट मसल्स और ब्लड सेल्स, ये भी कभी भी डिवाइड नहीं करते। फिर आप बोलोगे कि ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में इतने सारे फिर कहाँ से आते हैं, अगर ये डिवीजन शो नहीं करते, जब हमारे बॉडी में कट लगता है तो ब्लड तो लॉस हो जाता है, फिर ये ब्लड दोबारा कहाँ से आता है। देखो जो ये बोन है, आपको बोन दिख रही होगी, बोन के सेंटर में एक बोन मैरो पाया जाता है, ये बोन मैरो ये है जो कि सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ प्रोसेस था सेल डिविजन का, तो स्टूडेंट्स ये तो थोड़ा ओवरव्यू था, एक बेसिक नॉलेज थी, बट इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइटोसिस, आपका माइटोसिस कितने फेज में होता है, इसका इंटरफेज क्या होता है, इसका एम फेज क्या होता है, जी नॉट फेज क्या होता है, फिर इंटरफेज में जी वन एस फेज क्या होता है, जी टू फेज क्या होता है, फिर मियोसिस वन मियोसिस टू है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हर एक चीज हम जो स्टडी करेंगे इसी सिंपल वे ऑफ टीचिंग में। सो अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको एक कॉन्टेंट सही लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।